नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि यूपीएसआई कैसे बने, यूपी में दरोगा कैसे आप बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है लड़कों के लिए, साथ ही साथ लड़कियों के लिए, किसको कितना आयु में छूट मिलता है, किसको कौन कितना दौड़ना पड़ता है, कितना लंबाई चाहिए, कितना पढ़ाई चाहिए, कितना आयु चाहिए, कैसे बन सकते हैं, कहाँ पर लड़कियों को छूट मिलता है, कहाँ पर लड़कों को छूट मिलता है, कहाँ पर किस कैटेगरी को छूट मिलता है, कैसे बन सकते हैं यूपी दरोगा, वो सभी चीज़ें हम जानेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपका पुराना है, तो यहाँ पर आपका जो है ये 2016 वाला है, तो इसमें तीन तरह के आपके एग्ज़ाम आते हैं और कितना आपका पेमेंट बनता है। देखिए पेमेंट आपका यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर जो 4200 ग्रेड पे इसका है और जो है 9300 से लेकर के आपके 34800 जो है ये आपका पेमेंट है। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें, देखिए तीन तरह के आपके इसमें रहेंगे, या तो आपका उपनिरीक्षक जो रहेगा नागरी पुलिस में, प्लाटून कमांडर और मतलब जिसको पीएससी कहते हैं, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अग्निशमन के द्वितीय अधिकारी, ये आपके तीन तरह के पद होते हैं। मैंने बता दिया लगभग दोस्तों जो इसका कहते हैं कि कितना पेमेंट बनेगा, तो देखिए यही जो है तीन तरह के आपके हैं, उपनिरीक्षक आप नागरिक पुलिस में बनेंगे, प्लाटून कमांडर और अग्नि जो है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी बनेंगे। तो ये दोस्तों जो है इसमें अगर पेमेंट की बात करें, पेमेंट बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो देखिए ग्रेड पे जो है आपका 4200 है, तो लगभग दोस्तों आपका जो है 45000 के आसपास जो है पेमेंट बन जाता है, लेकिन ट्रेनिंग में जो है कम, बहुत ही कम पैसे मिलते हैं एकदम नाम मात्र की तरह। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि कौन को लोग फॉर्म को भर सकते हैं, तो सबसे पहले बात आती है शैक्षणिक अर्हता की। तो देखिए उपनिरीक्षक अगर आप बनना चाहते हैं नागरिक पुलिस में या प्लाटून कमांडर में, इसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएट रहना चाहिए, स्नातक रहना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और उसके समकक्ष आपको कोई भी आपके पास डिग्री है ये सब है तो आप मान्य होंगे, ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए या फॉर्म भरने के लिए इस वैकेंसी के लिए, यानी ग्रेजुएट स्नातक आप रहेंगे तो भर सकते हैं। किसके लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, टर्न है कुछ, तो यहाँ पर देखिए टर्म क्या है, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए और पीएससी के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर लड़कियों की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर जो है नागरिक पुलिस में लड़कियाँ रहती हैं, बाकी में नहीं आपको दिखाई देंगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करें, देखिए अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्नातक चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा विज्ञान वर्ग में आपको चाहिए, यानी साइंस से जो लोग जो है स्नातक हैं वो सभी लोग भर सकते हैं अग्निशमन जो है द्वितीय अधिकारी के लिए भी। तो आप अगर बेसिकली बात करें तो अधिकतर जो लड़के फाइट करते हैं सिविल पुलिस और पीएससी के लिए करते हैं, लड़कियां जो है नागरिक पुलिस के लिए नहीं सिविल पुलिस के लिए करती हैं। अब यहां पर बात आती है शैक्षणिक अर्हता, हमने बात कर लिया, अब यहां पर आयु की बात आती है। तो देखिए जब भी फॉर्म निकलेगा, ये तो पुराना डेट है, जब भी फॉर्म निकलेगा उसमें से 21 वर्ष आपका न्यूनतम आयु रहना चाहिए जो वहां पर डेट मेंशन किया गया रहेगा, 28 वर्ष जो है आपका मैक्सिमम आयु रहना चाहिए, ठीक है सभी के लिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मैं जो आयु बता रहा हूँ वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बता रहा हूँ, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है 21 से लेके 28 वर्ष है। चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में मैं आपको बताया था, चरित्र के बारे में, तो देखिए कुछ केस वोस नहीं रहना चाहिए आप जानते हैं, वही है इसमें बताया गया कि जो है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, अभ्यर्थी ऐसा होना चाहिए कि जो है सरकारी सेवाओं का जो है सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, मैं वही बात कर रहा था। देखिए वैवाहिक के लिए जो नियम है कुछ इंपॉर्टेंट है इसको जान लीजिए, शादी विवाह के लिए जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है कि अगर आपकी, देखिए ऐसा पुरुष पात्र नहीं होगा जिसका जो है पहले से एक पत्नी हो, मतलब जीवित पत्नी हो और दूसरी से वो शादी किया हो, ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो दो दो पत्नियां वाले जो है पति हैं इनका जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे लोग जो है पात्र नहीं माने जाएंगे, ठीक है। मतलब कि कुछ यहाँ पर सरकार द्वारा छूट भी दिया गया प्रावधान है, उसके अनुसार आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है। शारीरिक जो है स्वास्थ्यता की बात करें तो मैं वही बता रहा था कि शारीरिक स्वास्थ्यता में कुछ ऐसा रहना चाहिए कि मतलब ऐसा शारीरिक रूप से जिसे बीमार पड़ गया, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि शारीरिक आपके परीक्षा में आप पास ना हो, या फिर बाधा पड़ जाएगा तो समझ लीजिए कि आप वहाँ पर डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें, ये भर्ती प्रक्रिया की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है जो आपका एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम की बात करें, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पहले फॉर्म फिल करेंगे, एग्ज़ाम डेट आएगा, एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपका पीएसटी होता है, पीएसटी यानी पीएसटी में मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा, पीएसटी में बस आपका जो है हाइट मेंशन होगा और सीना, ठीक है, और अभी बात करें कितना कितना चाहिए, लड़कियों के लिए कितना चाहिए, लड़कों के लिए कितना चाहिए, एसआई के लिए कितना चाहिए, मतलब पीएससी के लिए कितना चाहिए, सब बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा, पहला जो टर्म है वो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपका 400 अंकों का होगा, ठीक है, 400 अंकों का होगा, जिसमें आपके देखिए 100-100 अंक के हिंदी, सामान्य हिंदी पूछे जाएंगे, दूसरा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये तीनों मिला करके रहेंगे 100 अंक के,
100 अंक का संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी आपका मैथ जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स इसमें रहेगा, और मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि बुद्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा ये आपका रहेगा। यानी 100-100 नंबर के ये आपके रहेंगे और ये आपके 400 नंबर के पेपर में होंगे। ध्यान दीजिएगा कुछ चीज़ें यहाँ पर नियम चेंज होने वाले हैं, नोटिफिकेशन में दिखाई देगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले जो था वो था कि 50% जो है हर में पाना अनिवार्य ही है। अगर आप हर सेक्शन में यानी इसमें भी 100 में से आपको 50 अंक पाना ही है, इसमें भी 100 में से 50, 100 में से 50, 100 में से 50, और पेपर जो आ रहा था वो 40-40 क्वेश्चन आ रहे थे यानी 160 क्वेश्चन अब तक पूछे जा रहे थे, ठीक है। यानी 40 क्वेश्चन में से हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन से अधिक या 20 क्वेश्चन जो है आपके राइट होने ही चाहिए, ठीक है। ये पहले नियम था, लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कई बार बताया कि 35% इसको घटा करके कर दिया जाएगा, लेकिन ऑल ओवर जो है यानी 400 में 200 से कम मेरिट नहीं जाएगा, ठीक है। यानी ऑल ओवर 50% ये बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन अगर देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 35% हो ही जाएगा, 99% है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये पढ़ लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। ये नहीं कि 50% ही उसमें दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अभिलेखों की जो अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक, यानी वही मैं पीएचटी की बात कर रहा था, तो यहाँ पर जो डीवी के बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए शारीरिक जो मानक है उसको ध्यान दीजिएगा। हाइट के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो देखिए जनरल की बात करें ईडब्ल्यूएस भी समझ लीजिए इसी में, ठीक है। और उसके बाद अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी और अनुसूचित जाति की बात करें, यानी जनरल ओबीसी और एससी, मतलब जनरल मतलब ओबीसी उसमें भी ईडब्ल्यूएस भी मान लीजिएगा, ठीक है। तो इन सबको जो चाहिए हाइट वो 168 सेंटीमीटर ही चाहिए, उससे अधिक चाहिए, कम नहीं चलेगा, ठीक है। 168 जो है मतलब 168 सेंटीमीटर कम से कम न्यूनतम ये हाइट है, ठीक है। इससे अधिक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि अधिक है तो कोई दिक्कत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये पुरुष के लिए है, ठीक है, अगर आप जो है यहाँ पर एसटी के कैंडिडेट हैं पुरुष, ठीक है, तो 160 न्यूनतम है हाइट, ठीक है। इससे अधिक रहेगा तो चलेगा, इससे कम नहीं चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीना की बात करें तो वही सामान्य यानी कि ईडब्ल्यूएस बीस में ओबीसी और एससी तीनों का जो है सीना जो रहना चाहिए वो सीना कितना रहना चाहिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, ठीक है। इससे अधिक भी है तो चलेगा, ठीक है, कम न्यूनतम ये बात कर रहे हैं, और 84 न्यूनतम फूलने के बाद यानी 5 सेंटीमीटर आपको फूलना चाहिए। अगर आप यहीं पर एसटी के कैंडिडेट हैं तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 जो है फुलाने के बाद, यानी 5 सेंटीमीटर जो फूलना अनिवार्य है, टिप्पणी यहाँ पर किया गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें लड़कियों की भी बात करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए दक्षता जो आपका परीक्षा होगा दौड़ जो होगा वो आपका जो है यहाँ पर दौड़ होगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 किलोमीटर लगभग यानी 4.8 km का दौड़ पूरा करना होगा, कितने में 28 मिनट में पूरा करना होगा, 28 मिनट में आपको पूरा करना होगा, ठीक है। तो लड़कियों के लिए सेम वही है जो लड़कों के लिए है, लेकिन यहाँ पर हाइट चेस्ट मतलब चेस्ट नहीं नापा जाता यहाँ पर, और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज है, जैसे कि शारीरिक जो है आपका मानक में सभी चीज़ें एग्जाम सब सेम है, बस यहाँ पर क्या रहेगा लड़कियों के लिए जो है असामान्य की लड़की हो या ईडब्ल्यूएस की लड़की हो या फिर जो है अन्य यानी ओबीसी की या फिर आपका जो है एससी की लड़की हो, तो 152 सेंटीमीटर इनकी ऊंचाई न्यूनतम रहना चाहिए, इससे ज़्यादा रहेगा तो ठीक है, इससे कम नहीं रहना चाहिए, न्यूनतम इतना ही चाहिए, ठीक है, आपका 152 सेंटीमीटर इतनी ऊंचाई चाहिए ही चाहिए। अगर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की लड़की है तो 147 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए हाइट, ठीक है। अगर बात करें यहीं पर चेस्ट नहीं होता है वजन होता है इन लोगों, तो वजन जो है 40 किलोग्राम जो है वजन रहना ही चाहिए लड़कियों का, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे आप शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगा वो हमने बात कर लिया कि आपका मानक क्या चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर चाहिए क्या दौड़ क्या होगा, तो देखिए दौड़ जो होता है वो लड़कों का क्या था 5 किलोमीटर लगभग यानी 4.8 था, इसका जस्ट आधा यानी 2.4 जो है वो लड़कियों को दौड़ना है, कितने समय में समय काफ़ी है 16 मिनट में दौड़ना है, ठीक है, 16 मिनट में, तो ये काफ़ी अच्छा है लड़कियों के लिए, चाहें तो आराम से दौड़ निकाल सकती हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, लड़का लड़की सबका सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पर चिकित्सा परीक्षा जो होता है दोस्तों यहाँ पर जो है आपका मेडिकल कह सकते हैं, तो इसमें जो है कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें जो है बहुत ही नॉर्मल सब चीज़ें देखते हैं, मतलब कि आप बहुत ही आसानी से पास जाएंगे अगर आपका सब कुछ सही है तो। आयु में छूट की बात करें तो मैं आपको बताया हुआ हूँ कि यहाँ पर 21 से 28 वर्ष है आयु में छूट, देख लीजिए अगर आप जो है यहाँ पर
अनुसूचित जाति SC से हैं तो परसेंट जो है आरक्षण है, 5 साल जो है आपको छूट मिलेगा, ठीक है। ये सब जो है आपका आपको लगाना पड़ेगा प्रमाण पत्र कि हम ये हैं। अनुसूचित जनजाति 2% जो है आरक्षण है और यहाँ पर 5 साल का इनको भी छूट है, मतलब कि मैं बता देता 33 साल हो जाएगा, ठीक है। OBC का तो 27% आरक्षण है, 5 साल इनको भी, मानी 33 साल तक ये सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जाति के लिए बताया प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 2% है और यहाँ पर छूट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, जो भी चीज़ें रहेंगी उसके बाद आपका फॉर्म में बता दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक 5% है और यहाँ पर 3 वर्ष का छूट है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों विस्तृत जो है पाठ्यक्रम की, ठीक है। तो विस्तृत जो पाठ्यक्रम है उसमें देख लीजिए क्या होता है, मैंने आपको बताया 40-40 प्रश्न आपके आने वाले हैं सब में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 100-100 अंक के यानी 400 अंक आपका पेपर रहेगा, ठीक है। अब हिंदी का देख लीजिए सेक्शन कौन क्या क्या पूछा जाता है। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में जो है पहला सेक्शन जो हिंदी है, हिंदी और जो है आपके और जो भारतीय भाषाएं हैं ये पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान रहेगा, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यों के लिए एक शब्द आपका अनेकार्थी, सब रहेगा यहाँ पर। जो है हिंदी का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब यहाँ पर पूछा जाने वाला है। अब यहाँ पर मूल विधि मैंने बताया था कि जो GS का पार्ट है ये 3 पार्ट में बांट दिया गया है। मूल विधि पहला, ठीक है, तो इसमें आपका भारतीय दंड संहिता एवं जो है दंड प्रक्रिया संहिता ये सब CRPC IPC सब यहाँ पर पूछा जाता है। महिलाओं से संबंधित जो अपराध ये सभी चीज़ें यहाँ पर, आयकर, वाहन से, सूचना का अधिकार, मानव अधिकार सब यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपका क हो जाएगा और ख में आपका संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान में जो जो क्वेश्चन बनते हैं यानी सामान्य विज्ञान से लेकर स्वास्थ्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल सब लेकर के यहाँ पर पूछ देगा। कौशल क्या चल रहा है, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका GS बनता है, ये तीनों मिला करके आपका GS बनता है, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे यानी कि 100 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मैथ की बात करें तो यहाँ भी क ख बनाया है। तो मैथ में अगर आप देखेंगे तो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तो यहाँ पर संख्यात्मक योग्यता में आपका नंबर सिस्टम हो गया, मतलब कि संख्या पद्धति, सरलीकरण और मतलब दशमलव भिन्न आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है महत्तम लघुत्तम आपका आ जाएगा, लसम असम, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ लाभ हानि, इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब कि साधारण और कंपाउंड दोनों, मतलब कि SICI पार्टनरशिप भागीदारी जो होता है, औसत, टाइम एंड वर्क, सब डिस्टेंस लेकर के यहाँ पर जो है मिसेलियस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन भी पूछा जाता है, ग्राफ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ख में क्या दिया है, ख में दिया है लॉजिकल डायग्राम्स यानी तार्किक आरेख जो होता है जिसको वेन आरेख ये सब कहते हैं, तो वो सब आ सकता है। उसके बाद आपका रिलेशनशिप आ जाएगा कि जो है मतलब देखते हैं कि इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे मामा का लड़का का ऐसे ऐसे जो आता है वो सब आ जाएगा। आपका प्रत्यक्ष जो है ज्ञान बोध आ जाएगा, या फिर इसमें कहेंगे शब्द रचना परीक्षण आ जाएगा। अक्षर और संख्या, मतलब ये भी आपका व्यवहारिक जो आपका रीजनिंग टाइप का मानसिक योग्यता बन सकता है, ये सभी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे चौथा सेक्शन, इसमें क ख ग है और इसमें भी 3 पार्ट है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है मानसिक अभिरुचि, ठीक है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपका जो है कानून एवं शांति व्यवस्था से, मतलब ये सब रहेगा कि जैसे एक जनरल कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसमें और इस सेक्शन में पूरा जो पूछा जाता है, इसमें रीजनिंग और मिक्सिंग जानते हैं क्या रहता है, इसमें मिक्सिंग जो रहता है वो रहता है नैतिकता से संबंधित, मतलब कि आपके आस पास में जो चल रहा है उसके अनुसार से। अभ्या देखिए अपराध नियंत्रण से लेकर के विधि का शासन या फिर अनुकूलन की क्षमता ये सब पूछा जाएगा। व्यावसायिक सूचना क्या क्या है आपके पास, मतलब आप जानते हैं कि नहीं, पुलिस प्रणाली के बारे में कुछ कुछ जानते हैं कि नहीं, कानून व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि नहीं, व्यवसाय के प्रति जो रुचि है उसके अनुसार पूछा जाएगा। मानसिक दृढ़ता, मतलब कि क्या आपके सोचने की तरीका है। लैंगिक समानता, मतलब कि आप लड़की लड़का ये सब, थोड़ा औरत मतलब थर्ड जेंडर ये सब के बारे में, मतलब आप थोड़ा समझते हैं कि नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में, या फिर जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे बुद्धि लब्धि परीक्षा, तो रिलेशन एंड एनालॉजी ये क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि कहते हैं समता परीक्षण, तो ये आपका पूछ लेगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग में बता दूं ब्लड रिलेशन दिशा का आपका आ जाएगा। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे वो सब आपको करना होगा। टाइम जो सीक्वेंस वाला होगा टेस्ट ये आपको बताना होगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ जाएगा। मैथमेटिकल एबिलिटी या अंकगणितीय प्रश्न या योग्यता कहते हैं वो भी आपका पूछा जाता है।
साथ साथ तार्किक जो क्षमता है या परीक्षा है ये भी आपका पूछा जाएगा, यानी समरूपता या फिर समानता, भिन्नता, मतलब कि कौन सा इनमें से समान है, कौन सा समान रूप रखता है, कौन सा इसमें से अलग है, विषम है, भिन्न है, खालिस्तान को भरना, समस्या को सुलझाना, जजमेंट कोई रहेगा, विशेषण विश्लेषण का निर्णय आपको लेना होगा, निर्णय की क्षमता देखेंगे कि आप जो निर्णय कैसा लेते हैं, सही लेते हैं कि नहीं, दृश्य स्मृति रहेगा, मान लीजिए आप ये जहाँ पे जा रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं तो सही चीज़ों से आप जो है उसको एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, आंकड़ों आकृतियों को जो वर्गीकरण रहेगा, मतलब कि चित्र वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सब आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम का लेवल की बात करें तो देखिए मैथ भी काफ़ी टफ कह सकते हैं कि जो है आपका रहता है, रीजनिंग तो एकदम समझ लीजिए कि ऐसा रहेगा जैसे लगेगा बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीएस जो है कुछ ठीक रहता है लेकिन कह सकते हैं ये भी काफ़ी टाइट है, और अगर बात करें मूलविधि और ये सब क्वेश्चंस अधिकतर लोग के छूट ही जाते हैं, और बचा जो आपका हिंदी है, हिंदी काफ़ी सरल रहता है, बाकी एग्ज़ाम की तरह रहता है हिंदी का क्या है, लेकिन ठीक है ये भी आपको मॉडरेट ही कह सकते हैं। जो आपका टाइट रहने वाला है वो काफ़ी टाइट रहता है रीजनिंग, और काफ़ी टाइट जो मतलब कि हार्ड कह सकते हैं वो जीएस रहता है, जीएस और रीजनिंग और मैथ भी कह सकते हैं आसान नहीं रहता है, उसके बाद आपकी हिंदी आती है जो कि सबसे सरल रहती है, हिंदी सरल विषय भी है लेकिन नंबर आप उठाने के लिए हिंदी को ले सकते हैं, मैथ को ले सकते हैं, रीजनिंग काफ़ी सेक्शन निकालना इम्पॉर्टेंट है, और जीएस और रीजनिंग में अगर प्रीवियस बात करें काफ़ी बच्चे जो है एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन की वजह से फेल हो गए थे, क्योंकि ऐसा रीजनिंग नहीं देगा कि जैसे एकदम हलवा, ऐसा देगा कि आपका स्क्रीन ही भर जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों लड़कियों को ये पता रहना चाहिए कि लड़कियों के लिए जो है सिविल पुलिस में जो 20% का आरक्षण है, तो वहाँ पे काफ़ी इनको फ़ायदा मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट था दरोगा के लिए, यूपीएससी के लिए, चाहे वो लड़कों के लिए चाहे वो लड़कियों के लिए, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, तैयारी जम के करिए, धन्यवाद।